नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में BPSC यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक यानी हेडमास्टर के लिए 6421 पदों पर बहाली के लिए 31 मई 2022 को परीक्षा लिया गया। और दुर्भाग्य की बात रही कि मात्र 421 शिक्षक ही क्वालिफाई कर पाए, यानी कि जो मिनिमम अंक लाने थे उतने अंक 421 ही शिक्षक ला पाए। इसको लेकर काफ़ी शिक्षकों की खिंचाई हुई सोशल मीडिया पर, और सभी जगह ये बात होती थी कि आखिर गुरु जी का ज्ञान कितना है, कितना पढ़े लिखे हैं कि मात्र 6,500 पदों में मात्र 421 शिक्षक ही क्वालिफाई कर पाए इस परीक्षा के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि गलती केवल शिक्षकों के द्वारा किया गया, गलती आयोग के द्वारा भी किया गया है। चार प्रश्न पर उंगली उठ रहे हैं जिनके बारे में शिक्षकों का कहना है कि आयोग के द्वारा इनके गलत उत्तर दिए गए, और एक शिक्षक हैं जिनके द्वारा ये सारा एविडेंस, उसके जो प्रश्न कैसे आखिर गलत हैं उसके आंसर के तथ्यों के साथ हमें भेजा गया है। और उनका कहना है कि मैंने आयोग में भी इसे भेजा है और आयोग इस पर अगर सुनवाई नहीं करती है तो मैं इसके खिलाफ हाई कोर्ट में भी जा सकता हूं, क्योंकि वो एक अंक से बाहर हुए हैं, 59 अंक उनको प्राप्त है। और ऐसे में जो चार प्रश्नों पर ये उंगली उठा रहे हैं इनमें तीन इनके सही हैं, अगर ये सही हो जाते हैं तो ये क्वालिफाई कर जाएंगे। और इनका कहना है कि हमारे जैसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो कि इन्हीं गलत प्रश्नों के उत्तर से बाहर हुए हैं, और बहुत सारे लोग इसके कारण चयनित भी हो गए हैं। जो आयोग ने सही आंसर दिया और इनका वो आंसर वही था जो आयोग ने दिया, जिसके कारण ये सिलेक्ट हो गए, लेकिन वास्तविकता में वो आंसर गलत है। और आपको हम दिखाते हैं, आप देख सकते हैं, आकाश कुमार हैं, शिक्षक हैं, मधेपुरा के रहने वाले हैं, जिन्होंने ये सारा एविडेंस हमें भेजा है। उन्होंने अपना लेटर भी भेजा है जो आयोग को भेजा है इन्होंने, जिसमें प्रश्न जो है, एक प्रश्न है जो कि ग्रुप सी का है, सेट नंबर सी का 11 नंबर है, जिसमें यह कहा गया है कि बुद्धिज्म वाज ए रिफॉर्म मूवमेंट विद इन हिंदुइज्म, हु सेड दैट, मींस बुद्धिज्म जो था वो हिंदू धर्म के भीतर एक आंदोलन था, ये किसने कहा था, जिसमें आयोग ने आंसर जारी किया है जिसमें वी ए स्मिथ है, जबकि तीन और ऑप्शन है BC लॉ, AB केथ, VP वर्मा, VA स्मिथ, और ई ऑप्शन है नॉन ऑफ एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव, ये इसका ऑप्शन है। आयोग ने इसका डी आंसर दिया है, जबकि इसका आंसर सी होगा। और इसके लिए आकाश कुमार ने जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी दिया है जिसमें आप देख सकते हैं, और इन्होंने बड़ा ही अच्छा तरीका से सभी का एक्सप्लेनेशन दिया है। इसके नीचे इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि सही उत्तर सी VP वर्मा होगा, क्योंकि इतिहासकार VP वर्मा ने अपनी पुस्तक अर्ली बुद्धिज्म एंड इट्स ओरिजिन में बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन माना था, न कि VA स्मिथ ने। प्रश्न के संदर्भ में उक्त पुस्तक के साक्ष्य से संबंधित पृष्ठ की छाया प्रति संलग्न किया जाता है, और ये इन्होंने डाला भी है, इसे हाईलाइट भी किया है, जिसमें ये साफ दिया हुआ है कि VP जो वर्मा है वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के भीतर बुद्धिज्म जो है एक आंदोलन था, मूवमेंट था। और इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन जो इन्होंने प्रश्न उठाया है वो आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 134 है, जिसमें बड़ा ही मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि आखिर BPSC कैसे ये क्वेश्चन सेट की और कैसे उन्होंने सही भी किया। इसमें दिया है कि हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार स्टेट, यानी कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन जरा सुनिए, ऑप्शन नंबर एक है श्री कृष्ण सिन्हा, बी नीतीश कुमार, सी लालू प्रसाद यादव, डी राबड़ी देवी, और ई ऑप्शन है। और आप देखिए कि BPSC ने इसका सही आंसर चेक कराया है श्री कृष्ण सिन्हा, जबकि इसका ऑप्शन ई आंसर होना चाहिए, ए ऑप्शन चेक कराया गया। और सभी लोग को पता है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, सिन्हा नहीं थे, सिंह थे वो। और इसके लिए इन्होंने, आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है विधान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बिहार विधानसभा
चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार का जो सरकारी जो वेबसाइट है उससे इन्होंने एविडेंस दिए हैं कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा नहीं श्री कृष्ण सिंह थे। इसके बाद आपको बताएं कि क्वेश्चन नंबर 70 पर इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया है जिसमें दिया हुआ है ये जो है वो एजुकेशन से संबंधित है, एजुकेशन कोर्स से संबंधित प्रश्न है जिसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस मेक्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर पीयर ग्रुप, और इसमें जो है बीपीएससी का आंसर सी है एडोलेसेंस, जबकि इसका आंसर बी चाइल्डहुड होना चाहिए इनके अनुसार। और इसके लिए इन्होंने अपने एविडेंस भी दिए हैं कि क्यों इसका आंसर जो है, और वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इंट्रोडक्शन जो बुक है उसमें इन्होंने हाईलाइट करके बताया है कि कैसे इसका आंसर चाइल्डहुड होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा जो कि आयोग ने दिया है। इसके अलावा उनका चौथा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर सी सेट का 130 है जिसमें दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिसड इन इंडिया फॉर टी कॉफी एंड रबर प्रोडक्शन, इसमें दिया हुआ है ए कॉन्ट्रैक्ट, बी प्लांटेशन, सी ऑर्गेनिक, डी कॉमर्शियल, ई वही ऑप्शन जो ई है। बीपीएससी द्वारा जारी किए गए फाइनल आंसर की में इसका उत्तर डी कॉमर्शियल दिया गया है, जबकि भारत में चाय कॉफी और रबर की खेती प्लांटेशन के अंतर्गत की जाती है जो कमर्शियल फार्मिंग का एक प्रकार है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर बी प्लांटेशन होना चाहिए, जबकि आयोग ने इसका आंसर जो है वो डी दिया है या फिर इसका ऑप्शन ई होना चाहिए इनके अनुसार। और इन्होंने एनसीईआरटी कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकेंड जो पेज नंबर 35 है उसका इन्होंने लगाया है जिसमें दिया है कि प्लांटेशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। इन द टाइप ऑफ फार्मिंग ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन द लार्ज एरिया द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो सबसे अच्छी बात है कि एक शिक्षक हैं आकाश जी और इन्होंने सभी जो चार प्रश्नों पर इन्होंने उंगलियां उठाई हैं उनके सभी एविडेंस जो कि रेफरेंस बुक है रेफरेंस सोर्सेस है उनके द्वारा इनके दिया गया है, और इन्होंने आयोग को पत्र भी लिखा है, ये सारे एविडेंस इन्होंने आयोग को सौंपे हैं और बताए हैं कि कैसे आपके द्वारा दिया गया आंसर जो है वो गलत है, चार जगह आपने गलत आंसर दिया है जिसके कारण बहुत सारे छात्र बाहर हो गए हैं या फिर बहुत सारे छात्र पास कर गए हैं। तो इस पर आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, जो गलतियां हुई हैं उसको सुधार करना चाहिए। सबसे पहले तो उन्हें विचार करना चाहिए कि अगर गलत आंसर दिए गए हैं तो इनको सुधारा जाए, क्योंकि आपको बता दें कि 6,500 के आसपास प्रधान शिक्षकों के बहाली के लिए परीक्षा हुई थी और 421 लोग ही पास कर पाए थे। ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि सही उत्तर देकर भी बाहर हो गए हैं, और आकाश कुमार जैसे कैंडिडेट जो कि 59 प्रश्न उनके सही हुए हैं, अगर ये चार में से तीन इनके द्वारा दिया गया प्रश्न तीन उन्होंने कहा है कि चार में से मेरे तीन प्रश्न सही हैं, ऐसे में इनका अंक 62 के पार पहुंच जाता है और बहुत सारे छात्र जो हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, तो इस पर आयोग को कंसीडर जरूर करना चाहिए, जरूर अपने परीक्षा फल में सुधार करना चाहिए, और जो भी ऐसे शिक्षक जो इन प्रश्नों के चलते बाहर हो गए हैं उन्हें अंदर देने की प्रक्रिया भी शुरू करनी चाहिए। और इनका कहना है कि अगर आयोग नहीं सुनवाई करेगा तो मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगा और इन प्रश्नों को वहां पर रखूंगा। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो पर इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।